उत्तराखंड का 21वां स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। राज्य स्थापना दिवस पर सीएम ने दिया प्रदेशवासियों के नाम संदेश। अपने संदेश में सीएम ने कहा, उत्तराखंड के विकास के लिए तैयार है मजबूत नींव। उत्तराखंड के 21वां स्थापना दिवस पर शहीदों की प्रतिमा पर सीएम ने किया माल्यार्पण। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। गैरसैंण में पहली बार राज्य स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। राज्यवासियों को कोई सौगात देंगे सीएम रावत। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। केदारनाथ की यात्रा का अंतिम चरण पर उमड़ रही भक्तों की भीड़, 1,15,000 भक्त कर चुके हैं बाबा के दर्शन। हेली सेवा से 35,000 से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं केदारनाथ। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल। आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रुद्रपुर में केन्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, बाल श्रम कर रहे ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। के न्यूज ने दिखाई थी बाल श्रम की प्रमुखता से खबर। कूड़े के कचरे में युवक से कराया जा रहा था बाल श्रम, बाल श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान। खबर को प्रमुखता से दिखाने पर हुआ केस दर्ज, विभाग की शिकायत पत्र पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। कूड़े कचरे में युवक से कराया जा रहा था बाल श्रम, बाल श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान। खबर को प्रमुखता से दिखाने पर हुआ केस दर्ज, विभाग के शिकायत पत्र पर पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बाल श्रम अधिकारी ने लिया मामले का संज्ञान। खबर आपको रुद्रपुर से बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज 21वां राज्य स्थापना दिवस है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गैरसैंण विधानसभा पहुंचे और वहीं पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोक कलाकार की प्रस्तुतिकरण। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस के जवानों के साथ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा रैतिक परेड की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रुद्रपुर विधायक भरत चौधरी, कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह मौजूद रहे। किसवां स्थापना दिवस है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाड़ीसैंण विधानसभा गैरसैंण पहुंचे, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लोक कलाकार की प्रस्तुतिकरण दी। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस के जवानों के साथ ही भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों द्वारा रैतिक परेड की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, कर्णप्रयाग विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, थराली विधायक मुन्नी देवी शाह मौजूद रहे। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के बीच मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो कार्यक्रम में शिरकत करें। साथ ही यहाँ पे पुलिस के द्वारा और आईटीबीपी के द्वारा भी रैतिक परेड की जा रही है। के न्यूज़ के लिए भराड़ीसैंण से अनिल राणा। उत्तराखंड में आज 21वां स्थापना दिवस है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 21वें स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पुलिस लाइन ने रैतिक परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रैतिक परेड की सलामी ली। स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के द्वारा राज्य के विकास की पुस्तिका का विमोचन किया।
साथ ही पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले 7 पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल से सम्मानित भी किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों को 21वें स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि राज्य में गठन में कई शहीद को अपने जीवन की आहुति दी थी, इसलिए उन्हें बुलाया नहीं जा सकता। के 20 वर्ष पूरे करके 21वें वर्ष में जा रहे हैं और जैसा मुख्यमंत्री ने बताया कि ये और अधिक कार्य करने के लिए हमें समय मिला है। हम जब 21 वर्ष पूरे करेंगे तो मैं समझती हूँ उत्तराखंड और अधिक प्रगति और उन्नति करेगा। मैं अपने सभी उत्तराखंड वासियों, बहनों और भाइयों को, बच्चों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा केदारनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा उत्तराखंड दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे और शीर्ष जो राज्य हैं उसमें अगली वर्ष जब हम यहाँ बैठे तो उसमें इसकी गिनती। सबसे पहले तो तमाम उत्तराखंड वासियों को जो उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर भी रहे हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा राज्य 21वें वर्ष में प्रवेश किया। मैं तमाम उन शहीदों को जिन्होंने इस राज्य निर्माण में अपना बलिदान दिया, अपने जीवन को सर्व किया, उनको भी हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तमाम जिन लोगों ने राज्य के लिए आंदोलन किया उनको भी हैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूँ। 21वें वर्ष में जब राज्य प्रवेश कर रहा है और जो प्रोग्राम देहरादून में हुआ है राजधानी में उसका एक छोटा स्वरूप ये गैरसैनी हो रहा है और उसी के तहत आज गैरसैनी में भी कार्यक्रम है। मैं आज रात्रि वहीं रुकूंगा। कल वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि जो दूधा टोली में है, जो वाटर टॉप टावर कहलाता है, हमारे 5 नदी वहाँ से निकलती है, मैं कल वहाँ भी जाऊँगा और कुछ दिन में मैं वहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा करूँगा। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर समस्त उत्तराखंड वासियों को बधाई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड अब साकार रूप ले रहा है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा, अटल आयुष्मान योजना में सभी परिवारों को 5,00,000 रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन। सौभाग्य योजना से 2,50,000 से अधिक घरों में बिजली पहुंची। किसानों को 3,00,000 और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5,00,000 रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं। मजबूत नेतृत्व के हाथों में जब आई कमान, दूरदर्शी नीतियां बनी विकास का आधार। बातें कम, काम ज्यादा। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में आज राज्य के निर्माण की 21वीं
गांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही। उत्तराखंड राज आंदोलन के जन्नी खटिमा में भी राज निर्माण की कितनी वर्ष गांठ शहीदों को याद करके मनाया गया। खटिमा रेलवे स्टेशन के पास स्थित शहीद पार्क में नानक मत्ता विधायक प्रेम सिंह राणा और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी SDM खटिमा निर्मल बिष्ट खटिमा गोलीकांड में शहीद हुए सातों शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं राज निर्माण के 21वीं वर्षगांठ के मौके पर नानक मत्ता से BJP विधायक प्रेम सिंह राणा ने सर्वप्रथम जहां शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर राज निर्माण में उनकी शहादत को याद किया, वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा राज्य राज निर्माण के 21वीं वर्षगांठ मना रहा। इस मौके पर सर्वप्रथम हम उन शहीदों को भी याद करना चाहेंगे जिनकी बदौलत हमें यह राज मिला, और खटिमा इस राज के आंदोलन की जननी रही है और यहाँ राज निर्माण के लिए सबसे पहले 7 युवाओं ने अपनी जान दी थी जिसके फलस्वरूप हमें यह राज मिला है। हमारी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि राज को शहीदों को इच्छाओं के अनुरूप बनाया जा सके और राज का पानी और जवानी राज के ही काम आ सके। नवंबर को हमारा स्थापना दिवस उत्तराखंड का स्थापना दिवस हुआ था और 9 नवंबर की शहादत को हमारे जितने शहीद योद्धाओं लोगों ने उत्तराखंड की मांग के लिए एक विशेष आंदोलन छेड़ा था और उस आंदोलन के तहत हमें सफलता भी मिली है। आज उत्तराखंड बने 21 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उत्तराखंड के लिए हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय भी है। 21वां राज्य स्थापना दिवस पर शिरकत करने नैनीताल पहुंचे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने राज उत्तराखंड आंदोलन कार्यों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज अतिथि के शैल हॉल में राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में उन्होंने आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के साथ ही कोरोना काल में उत्कृष्ट काम करने वाले फ्रंटलाइन चिकित्सक वॉरियर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। शहर विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि भारत सरकार की डबल इंजन की सरकार का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा पेयजल चिकित्सा अर्बन के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। राज्य के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राज्य में कोरोना काल के दौरान राज्य में वापस आए प्रवासियों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वरोजगार योजना के तहत उन्हें काम कम ब्याज दरों में ऋण देने के साथ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने का प्रयास कर रही है। उन्हें कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन हब के रूप में कैसे विकसित करने ये भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक पर्यटक उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो सके जिससे यहाँ के लोग रोजगार मिल सके। इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ हमने अपने आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का काम किया है सरकार के माध्यम से, वही जो हमारे जिनके शहादत के कारण ये राज्य बना उनको भी हम लोगों ने उस रूप में नमन किया है। और आज निश्चित रूप से राज्य जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है और जिस दिशा में लगातार एक डबल इंजन की सरकार जिसको हम कहते हैं उसका सहयोग हमें भारत सरकार का प्राप्त हो रहा है, तो हमारी जो योजनाएं थी चाहे वो हेल्थ सेक्टर की हों, चाहे अर्बन सेक्टर की हों, चाहे हमारी पेयजल की हों, चाहे हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएँ हों, वो सारी निरंतर बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से राज्य जो टूरिज्म पर आधारित जिसकी कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि एक बहुत बड़ा बेस है, हम उसको बेस मानकर इस राज्य में उस सारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो रिपोर्ट पिछले हफ्ते हम लोगों ने बैठक ली थी वो 30 से 40% अभी पूरे नहीं है, 30 से 40% अभी वापस गए हैं और 60% से ज़्यादा अभी राज्य में हैं। हमारा ये प्रयास था कि हम जो लोग आए थे उन लोगों को यदि वो स्वरोजगार में सम्मिलित होना चाहते हैं तो हम उनको वो सुविधा दें। हमने 25% सब्सिडी दी है रोजगार के लिए, उनको सारे कंपोनेंट दिए हैं कि ये रोजगार आप कर सकते हैं। हमने साथ साथ बहुत बड़ा काम ये किया है कि जो हमारे राज्य में सर्विस इस प्रकार से लोग आए थे और वो बाहर वापस नहीं जाना चाहते तो हमने पूरी उनकी व्यवस्था की है कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें कैसे वो लोग अकोमोडेट हों। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज़
खबरों का सारथी। केंद्र के सहयोग और राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण उत्तराखंड में आज विकास का इंजन रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो या चार धाम सड़क परियोजना, सभी इस डबल इंजन की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। केदारनाथ धाम में पुनः निर्माण कार्य और भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज उत्तराखंड उड़ान योजना में हेली सर्विस शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है। मां गंगा की स्वच्छता और निर्मलता को प्रतिबद्ध सरकार ने नमामि गंगे योजना का बजट 4 गुना बढ़ाया है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत नेट फेज 2 परियोजना के तहत 5,991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, देश के प्रथम ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर सीपैट, कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना से प्रदेश के विकास को नई गति मिल रही है। डबल इंजन की सरकार ने दिया है उत्तराखंड के विकास को बल। समृद्ध हुआ है आज, समृद्ध होगा कल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड राज्य ने अपने 20 साल पूरे कर 21वें साल में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शहीद स्थल देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के आंदोलनकारियों से मुलाकात की। वहीं पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने काफ़ी प्रगति की है। सबसे बड़ी राज्य गठन के बाद यह हुई कि जनता सीधे सरकार से संवाद कर सकती है और विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से जनता सीधे संवाद कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य ने कई अन्य मायनों में भी काफ़ी तरक्की की है। बीस इक्कीस साल एक नवोदित राज्य के लिए बहुत अधिक भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते हैं। इस दौरान राज्य ने काफ़ी प्रगति की है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के साथ में भी लंबे समय तक राजनीति की है और राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के 20 वर्ष हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंडियों को आज सरकार तक उनकी पहुंच ये आसान हो गई है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड को एक नई सौगात आपसे मिलने जा रही है, जहां आपको बता दें कि देहरादून हवाई अड्डे पर देहरादून और दिल्ली के बीच आज से एक नई विमान कंपनी विस्तारा एयरलाइंस अपनी नई उड़ानें शुरू करने जा रही है, जिसका लाभ उत्तराखंड के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली को भी मिलेगा। देहरादून एयरपोर्ट के डायरेक्टर डी के गौतम ने बताया कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस के मौके पर नई हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है और एक बड़ा कदम के साथ ही उत्तराखंड स्थापना दिवस भी यादगार बनाने जा रहा है। लगातार विमान कंपनियां देहरादून हवाई अड्डे से जुड़कर उत्तराखंड को देश विदेश में पहचान देने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून हवाई अड्डे से होने वाली नई उड़ान शुरू होगी। हमारे उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर एक नई एयरलाइन यानी विस्तारा एयरलाइंस यहाँ से अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, तो ये उत्तराखंड राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी, क्योंकि किसी भी स्टेशन से, एयरपोर्ट से एक नई फ्लाइट का चलना, यानी नई फ्लाइट मतलब नई एयरलाइंस का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारे लिए रूट क्या होगा इसका, कहाँ से कहाँ चलेगी फ्लाइट? ये इसका रूट रहेगा दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली वापस जाएगी। चमोली में सर्दी का सितम अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है। जिले की नीति घाटी में बूंद बूंद पानी अभी से पाला बनना शुरू हो चुका है। तापमान माइनस में लुढ़क रहा है और नदी नाले और पहाड़ी से टपकने वाले पानी की बूंद पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। इंसान ही तो इंसान, भगवान भी कड़कड़ाती सर्दी में पूरी तरह जम चुके हैं। वहीं जगह जगह हर तरफ निकलता पानी जहां पर पूरी तरह पाला बन गया है, वहीं नदी के बीचों बीच भी पत्थरों पर अटका पानी पाले के रूप में दिखाई दे रहा है।
इस बार सर्दी ने अपने पूरे चरम पर है अभी से दिखाई देने लगी है, जिसके चलते नीति घाटी पूरी तरह से जम चुकी है। देखिए रिपोर्ट। नवंबर महीने की शुरुआत में ही पहाड़ों में सर्दी का टॉर्चर शुरू हो गया है। यहाँ दिवाली से पहले ही नदी नाले के बहते पानी जम गए। पहाड़ों में सर्दी का ट्रिपल अटैक देखने को मिलने लगा। इंसान तो इंसान, भगवान भी जम गए। इस बार सर्दी समय से पहले ही कहर बरपाती दिखाई दे रही है। बूंद बूंद पानी पूरी तरह से फ्रीज हो गया है। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ पानी पूरी तरह जम चुका है। उत्तराखंड के आखिरी बॉर्डर नीतिमाड़ा का नाम तो आपने सुना ही होगा। यहाँ बहते खूबसूरत झरने, अटखेलियाँ करती हुई नदियाँ मानो किसी जन्नत से कम नजर नहीं आती। लेकिन इस जन्नत के झरने और बहती नदियों को कुदरत के माइनस तापमान ने अपने आगोश में ले लिया है। नवंबर में ही काफी सर्दी बढ़ चुकी है और जगह जगह पानी पूरा फ्रीज हो चुका है, पाले जम चुके हैं और अभी बहुत ठंड चल पड़ रही है। अभी दो दिन पहले ही यहाँ पे एक बारी की बर्फबारी हो चुकी है, जिससे कि सड़क पर चलना बहुत मुश्किल हो चुका था और अभी आने वाले समय में और बर्फबारी होने की और वो है, ठंड बहुत बढ़ चुकी है। चमोली में नीति घाटी में इन दिनों हाड़ कपाने वाली सर्दी ने दस्तक दे दी है। यहाँ सब कुछ जम गया है, पारा यहाँ शून्य से नीचे लुढ़क गया है। दिन के उजाले में भी यहाँ पानी पत्थर बना हुआ है। नीति घाटी चमोली जिले में चीन सीमा से लगी अंतिम गाँव है और यहाँ भोटिया जनजाति के लोग 6 महीने ग्रीष्म काल में प्रवास करते हैं। इन दिनों यहाँ रहने वाले लोग निचली जगह पर प्रवास करने के लिए आ चुके हैं और नीति घाटी में ITBP और सेना के जवान मुस्तैद हैं। यहाँ भारी बर्फबारी के साथ जबरदस्त कड़ाके की ठंड होती है, जिसके चलते यहाँ इस समय रहना मुमकिन नहीं होता। लेकिन चीन सीमा होने के कारण ITBP और सेना के जवान यहाँ 12 महीने सीमा पर मुस्तैदी से रहते हैं। चाहे ठंड हो या बर्फ, जवान यहाँ हर समय तैनात रहते हैं। के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।